हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं और खुद एनालाइज भी करना है कि 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी है, किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि क्षणिक का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होता है। क्षणिक की बात करें तो क्षणिक मतलब होता है क्षण भर के लिए, यानी बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए। ऑप्शन आपके पास क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए इसमें से। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द होता है शाश्वत। और इसमें से अगर बाकी की बात करें तो बाकी सभी इसके क्या है, पर्यायवाची हैं, और शाश्वत इसका विपरीतार्थक है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके पास वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसूची। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रुत गमन करने वाले को हम कहते हैं द्रुतगामी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गांठ में बांधना ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके पास लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना या लाभ होना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांठ में बांधना। लोग कहते नहीं कि इसे गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो, यानी खूब अच्छे तरीके से याद कर लो। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। मुहावरा है आपका चार दिन की चांदनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके पास खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि चार दिन की चांदनी का क्या मतलब होता है, थोड़े दिन का सुख। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एकदम रिलेट करके भी रियल लाइफ एग्जांपल से बता रही हूँ, जिससे आप अच्छे से याद रख सके चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। ऑप्शन आपके पास छंदमाला, छंद सागर, छंदोड़ा उपिंगल या छंद विचार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति जो है वो है छंदमाला, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि मुहतोड़ शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके पास तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको समास आ जाए या छंद संधि आ जाए तो सबसे पहले आपको समास विग्रह कर लेना है, संधि आ जाए तो संधि विच्छेद कर लेना है। इससे आपको आसानी होगी पता करने में कि कौन सा समास है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुंह तोड़, यानी मुंह को तोड़ना, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ को वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, का की के ये सब हम किस में इस्तेमाल करते हैं, तत्पुरुष में। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंह तोड़ में कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके पास तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। पाप पुण्य क्या है, पाप और पुण्य अपोजिट हैं, तो ऐसे जब पाप पुण्य, माता पिता, ये शब्द किस में आते हैं, ये द्वंद्व समास में आते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर द्विग समास होता तो द्विग समास में क्या होते हैं, वहाँ हमें संख्या का बोध होता है। जब संख्या का बोध हो, जैसे चौराहा यानी चार राहों का समूह, तो वहाँ द्विग समास होगा। लेकिन जब पाप पुण्य माता पिता ऐसे वर्ड आ जाएं जिनमें ये चिन्ह का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक यानी आपसे जस्ट अपोजिट पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास प्रमुख, विमुख, त्रिमुख या सन्मुख। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो उन्मुख का मतलब होता है सामने से, यानी जैसे सामने है कोई, तो कह दो हम आपके उन्मुख हैं। तो उन्मुख का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि आप पीछे, पीठ पीछे करके खड़े हुए हैं, तो यानी विमुख। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्मुख का विपरीत अर्थ क्या होगा, विमुख। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है, उप, अप, अपि या उत। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लग जाते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं, तो वो आपके उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं शब्द के। तो यहाँ बताइए उज्जयिनी में कौन सा यहाँ आपका उपसर्ग होगा, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका
उत उपसर्ग का इस्तेमाल होगा, उत प्लस यनी यानी उज्जैनी, या आपका संधि की अगर बात करें तो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यहाँ उत उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर से उपसर्ग आपसे पूछा गया। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ऑप्शन आपके क्वेश्चन है आपका कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, उद उप दुर या दुस। तो दुर्जन मतलब दुर प्लस जन, दुर्जन हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर प्रत्यय का इस्तेमाल यहाँ हुआ है इस शब्द में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि दुर्योधन में उपसर्ग बताइए, दुर प्लस दुर दुस उप या अपी, कमेंट करके बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर प्लस योधन दुर्योधन हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तृष्णा में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके पास स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तृष्णा में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कह रहा है सदाचार में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, सत प्लस आचार सदाचार। सत प्लता का क्या हो रहा है, द बन रहा है, तो यानी यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सदाचार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुब्रीह, द्वंद, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो जिनको समास के बारे में पता होगा वही बता पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइज ये जो दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वो होता है आपका बहुब्रीह समास में। बहुब्रीह समास में जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए नीलांबर यानी नीले हैं जिनके वस्त्र, तो ऐसे कौन से भगवान होते हैं, विष्णु भगवान को कहा जाता है नीलांबर। पीतांबर की अगर बात करें तो पीतांबर किन्हें कहते हैं। तो ये सभी शब्द क्या हैं, दो शब्द मिलकर एक नया पद का निर्माण कर रहे हैं और एक नए अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। अगर कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बात होती है। द्वंद में मैंने आपको बताया ही है, जैसे माता पिता ऐसे शब्द जो है, पाप पुण्य ये शब्द द्वंद में आते हैं, और तत्पुरुष, तत्पुरुष का काकीके वाला शब्द आ जाता है, तत्पुरुष में आ जाते हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जब दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके पास गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला देना या रिश्वत देना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, इसका क्या मतलब होता है, सही न्याय यानी कि एकदम करेक्ट जस्टिस। लोग कहते नहीं कि देखना अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि एकदम करेक्ट जस्टिस होना इसका अर्थ होगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ हार्ड होंगे कुछ इजी होंगे। तो इससे आप अच्छा स्कोरिंग ये जो क्वेश्चन होते हैं ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ठाड़े हैं नो द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपसे छंद के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास सवैया, बरवे, सोरठा या उल्लाला। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सवैया है, यानी इस ये जो पंक्ति दी हुई है यहाँ सवैया छंद का इस्तेमाल हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेसिता सा हमारा। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें आपसे पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है। ऑप्शन आपके पास मालिनी, मंदाक्रांता, उपेद्र वज्रा या द्रुत विलंबित। तो जिन्होंने अलंकार के बारे में बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, यानी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास कौतहल, कौतहल एकदम गलत है, कौतूहल, कौतूहल भी गलत है, ये भी सही नहीं है, कौतूहल, क्या ये ऑप्शन सही है। जी हाँ, कौतूहल क्या है, एकदम राइट है, शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, लोप मतलब विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन आपके पास द्वित, मूल, एकल या संयुक्त। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वित, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वित ध्वनियों का लोप हो गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, अपवंचक, अपवचक, उपवंचक या अपवचंक।
तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपवंचक हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, इसके अलावा ये सभी क्या है, गलत है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके पास 8, 13, 7 या 5। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन आपके पास सुधीर, गंभीर, व्यग्र या उज्बक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधीर का पर्यायवाची हो जाएगा व्यग्र। लोग कहते नहीं काहे इतना अधीर हो रहे हो, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनार का पर्यायवाची कौन सा है, सुकोदन, दाड़िम, रामबीज या ये सभी। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दाड़िम जो है वो अनार का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा, लोग कहते हैं ना उत्कृष्ट बहुत ही अच्छा सामान है, तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट या विकराल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ, निकृष्ट, अपकृष्ट नहीं होगा, निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गुणयुक्त किस प्रकार का समास है, यानी कि ये जो शब्द दिया हुआ है गुणयुक्त, इसमें किस प्रकार के समास का इस्तेमाल हुआ है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो राइट ऑप्शन बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर द्वंद की बात करें तो द्वंद यहाँ ऐसा कोई अपोजिट वाला सिस्टम है नहीं, माता पिता पाप पुण्य, तो ये तो गलत हो जाएगा। संख्या का भी बोध नहीं हो रहा, तो द्विग भी गलत हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष की बात की जाती है, तो यहाँ देखिए गुण युक्त, अगर हम गुण को अगर विशेषण मान लें तो ये विशेष तो है नहीं, युक्त मतलब कोई एक पर्टिकुलर तो बता नहीं रहा, संज्ञा सर्वनाम ये है नहीं, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। अगर हम समास विग्रह करें तो गुण से युक्त यानी गुणों से भरा हुआ, गुण से का की के ये सभी तत्पुरुष में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑप्शन से भी आप अपना राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अपोजिट वर्ड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नहीं शब्द आ जाए तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन अक्सर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, बहुत इजी भी। तो यहाँ पूछ रहा है कि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके पास शार्दूल, मृगेंद्र, केसी या तड़ित। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तड़ित क्या है, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा मृगेंद्र, केसी, शार्दूल ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके पास हिमकर, सीतांशु, धूर्जटी या अंशुमाली। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची होता है धूर्जटी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके पास सम प्लस अन्वय, सम प्लस अनुनय, सम प्लस अनु प्लस अय या समाधन अन्वय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम प्लस अनु प्लस अय, ये आपका एकदम करेक्ट है। ना किस में बदल जाएगा, ना बदल जाएगा आपका मा में और उ वा में बदल जाएगा, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समन्वय का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस अनु प्लस ए, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है, यानी जो ये वर्ब है क्रिया है उड़, ये किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, यौगिक है या संयोजक है। तो ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रतिदिन किस प्रकार का समास है, यानी किस समास का उदाहरण है, प्रतिदिन में किस समास का उदाहरण, किस समास का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन आपके पास अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीय। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए, तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस दिन। प्रति क्या है, एक अव्यय है, यानी यहाँ अव्ययी भाव समास का इस्तेमाल हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसे इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए पांच क्या, एक संख्या का बोध करा रहा है, संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, संबंध कारक, अधिकरण,
करण या संप्रदान, तो आपको बताना है कि किस कारक का परिषद का इस्तेमाल हुआ है। राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ देखिए संप्रदान, संप्रदान कारक के परिषद का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन आपके पास पानी, सोना, नदी या तेल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नदी, नदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा सोना, पानी, तेल ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, तो निगेटिव निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन आपके पास महाभारत, जापान, भाई या लोहा, तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भाई क्या है, जातिवाचक, किसी एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ भाई हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द क्या होते हैं जो संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते होते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास गो, पत्र, आम या नेत्र, तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आम का, आम क्या है, तद्भव शब्द है, आम का जो तत्सम होता है वो आम्र होता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, यानी दुग्ध क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, दधि, दूध, दुग्धि या क्षीर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है दूध, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, यानी कौन सा शुद्ध शब्द है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास रेणु, रेणु, रेणु या रेणु, तो राइट ऑप्शन बताना है आपको, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये जो लिखा हुआ है इसमें शुद्ध मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये शुद्ध शब्द है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है, वो कौन सी भाषा कहलाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या अलंकृत भाषा, तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो कहलाती है राष्ट्रभाषा, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंध आस्था, अंधविश्वासी, नास्तिक या रूढ़िवादी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन वर्णिक वृत्त नहीं है, द्रुत विलंबित, मालिनी, घनाक्षरी या मत गयंद, ये क्या है वर्णिक वृत्त के एग्जाम्पल्स, सॉरी टाइप दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन वर्णिक वृत्त का नहीं है, यानी वर्णिक वृत्त का टाइप नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आपका घनाक्षरी जो है ये वर्णिक वृत्त का टाइप नहीं है, बाकी के तीनों है, तो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो निगेटिव निगेटिव के साथ चला जाएगा। फिर कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल को और क्या कहा जाता है, भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल, तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है, ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान न देना या पीठ पीछे शिकायत करना, बहकाना, तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास भत्सरना, भत्सना, भर तत्सना या भ्रत्सना, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्त्सना जो है आपका एकदम करेक्ट शुद्ध शब्द है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। फिर कह रहे हैं मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है, उपवाक्य है, सरल वाक्य है, पदबंध है या संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा, मोहन ने कहा ये आपका उपवाक्य है, तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं,
तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यवाचक का इस्तेमाल हमेशा एक वचन में होता है, जैसे कि सोना। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। इसका इस्तेमाल ये थोड़ी ना कहेंगे सोने, बहुत सारे सोने, सोना कहते हैं ना, सोने सोना। तो यहाँ सोना क्या हो जाएगा? एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। यानी आपको सही वाक्य बताना है। क्वेश्चन है कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरे में लोग भरे हैं, कमरा लोगों से भरपूर है, या कमरे में लोग लबालब हैं। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमरा लोगों से लबालब भरा है मतलब कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरे में बहुत सारे लोग हैं, एकदम ठसाठस भरे हुए हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, क्या ये सब सही शब्द है? एकदम गलत है। तो इसका सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके पास मेरे काला बकरी मीठी दूध देती है, या मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 97 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1936, या वर्ष 1950। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, वो 1936 वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि वीणा किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है? ऑप्शन आपके पास सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीणा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे समास पूछ रहा है कि देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। तो ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या अधिकरण तत्पुरुष। तो हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी के लिए प्रसर्ग किस में आता है? संप्रदान में आता है। और इसका अगर हम करेंगे तो देश के लिए भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो यानी 100 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछिए, डाउट में मत रहिए, हर एक कन्फ्यूजन आप अपना क्लियर रखिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, इससे आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा और आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके। थैंक यू।